नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अपने ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है जो मुझे मेरी डॉटर ने गिफ्ट किया ऑन ओकेजन ऑफ माय बर्थडे। इस पे इन्होंने लिखा है, लव यू पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, और बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं हमारी साथ में वो इस पर प्रिंट की हुई हैं। बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट फ्रॉम माय डॉटर, सो थैंक यू सो मच रिद्धिमा। इसके अलावा ये एक और फोटो फ्रेम वर्क मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया ऑन दैट ओकेजन्स। एक कोई हमारी फोटोग्राफ्स थी जो इन्होंने इसको फ्रेम करके मुझे गिफ्ट किया। तो ये जो मोमेंट था सेलिब्रेशंस का, टू फील मी स्पेशल इन माय लाइफ एंड इट, ये मुझे ये भी बताता है कि हम एक दूसरे की जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होने, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशन इन योर लाइफ। तो यही मेरा आज का टॉपिक है कि हमारे जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप बिटवीन योर डॉटर एंड फादर है, चाहे वो फादर एंड सन है, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर्स रिलेशंस हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशन बिटवीन योर कलीग्स, रिलेशन बिटवीन योर बॉस, ये सब जो रिलेशनशिप है इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में, आपके मोटिवेशंस में आपको हेल्प करता है। इफ यू हैव अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप इन योर पर्सनल लाइफ, in your professional life, you can do any wonder in this world. हमें अपने इन रिलेशंस को छोटी छोटी बातों के लिए, अगर आप घर में, आप अपने पर्सनल लाइफ में देखें, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो एक बड़ा इशू बन जाता है। आप महीनों महीनों बात नहीं करते हैं। आप आजकल जो है पेरेंट्स और फादर्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जनरेशन और आपके फादर की जनरेशन में जो गैप था, छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपके बीच की वजह से आपने दूरियां बढ़ा ली हैं। इसीलिए आप समाज में देख रहे हैं जो ओल्ड होमेज इतने मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो है अपना जो ओल्ड एज है उनकी, वो जो है उनका वो अपना जीवन यापन जो है वो इन ओल्ड होम एज में कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं बहुत सारे पति पत्नी में जो डाइवोर्स के रेट हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो सुसाइड कमिट हो रहे हैं जस्ट टू बिकॉज ऑफ कि आपके आपस के रिलेशन खराब थे, या जो भी आप इतने स्ट्रेस में आ गए, इतने तनाव में आप आ गए कि आपने अपनी पूरी लाइफ ही खत्म कर दी। तो ये अभी हमें, ये मैं बहुत कुछ करने को नहीं बात कर रहा हूँ, आपको बहुत कुछ चीज़ें इंटरनेट पर मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे बुक्स आपको मिलेंगी जो बात करती हैं सेल्फ कंट्रोल की, जो बात करती हैं इनर इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि आप हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ परफेक्ट इन योर लाइफ। लेकिन वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे जो समझ में आया, जो उसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन योर पर्सनल लाइफ, बिटवीन योर हस्बैंड एंड वाइफ, योर किड्स, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, और सोशल लाइफ में आपके जो रिश्ते नातेदार हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जो आपके कलीग्स हैं, अगर आप बॉस हैं तो आपके नीचे जो रिपोर्टीज हैं, और आपके अपने खुद के बॉस के साथ। तो ये जो रिलेशंस आपके हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, जो हम ये खूबसूरत रिलेशंस हैं इनको ख़राब कर लेते हैं और अपने ज़िंदगी में अननेसेसरी के जो स्ट्रेस हैं वो बना देते हैं। तो हाफ ऑफ द थिंग्स
जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है दैट इज बिकॉज ऑफ योर रिलेशंस। तो इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हर एक रिलेशन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस है, चाहे वो आपके बच्चों के बीच का रिलेशंस है, चाहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशंस है, चाहे ब्रदर सिस्टर का रिलेशंस है, चाहे कोई और रिलेशंस आपकी लाइफ में जो आपकी जिंदगी की सुंदरता को बढ़ाता है, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जितने भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके रिलेशंस है विद योर बॉस, विद योर कलीग्स, विद योर रिपोर्टीज, ये सारे रिलेशंस आपके लिए वंडरफुल है। यू नीड टू केयर दीज रिलेशंस। आपको छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है, आप इसको करके देखिए, आपकी जिंदगी के जो सारे स्ट्रेस है, तनाव है, वो 80% स्ट्रेस यू विल एबल टू रिड्यूस इट। और उसके बाद आप देखें आपकी खुशियां आपकी जिंदगी में कैसे आती हैं, आप ग्रोथ कैसे करते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी आपकी कैसे इनहेंस होती है। बिकॉज प्रॉस्पेरिटी नॉट अबाउट द अर्निंग मनी, प्रॉस्पेरिटी इज अबाउट पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। तो ये तभी आएगा जब यू हैव अ हेल्दी रिलेशंस इन योर पर्सनल लाइफ, हेल्दी रिलेशन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, दैट विल गिव्स यू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं यही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, प्लीज 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 केयर योर रिलेशंस इन योर लाइफ, एंड दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, विदाउट दैट यू कैन नॉट लिव। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखेंगे, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग